हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत इंग्लिश वर्कबुक लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और ये सत्र है 2022-23। और यह बुक जो है आपकी बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है? यह बुक आपकी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई है। और यह किस स्तर के बच्चों के लिए है? तो यह दिया है जी, जो वर्कबुक है जिसमें आपको हम वर्कशीट बता रहे हैं, जो वर्कशीट आपको समझा रहे हैं, ये ग्रेड 3 से 5 के बच्चों के लिए है। और किस समूह की है? तरुण समूह की। अब यहाँ पर ग्रेड 3 से 5 का अर्थ है कि जो स्तर, जिन बच्चों का स्तर 3 से 5 का है, वह बच्चे तरुण समूह के अंतर्गत आएंगे और उन बच्चों को ही इन वर्कशीट को करना है। जैसे स्तर 1 से 2 में जो बच्चे हैं तो कौन सा समूह हो गया? अंकुर समूह हुआ। तो अंकुर समूह में जो बच्चे आएंगे, बेसलाइन टेस्ट होगा। बेसलाइन टेस्ट के बाद आपका जो समूह निर्धारण होगा, अंकुर समूह, तरुण समूह। तो आप जिस समूह में आएंगे उस समूह के बच्चों को इस गतिविधियों को, इन वर्कशीटों को करना है। चलिए देखते हैं हमारी वर्कशीट 46 16, राइटिंग फर्स्ट, यानी कि यहाँ दिया राइटिंग एंड लिखना है। वर्कशीट 46 है और राइटिंग अबाउट यू वन सेल्फ, क्या दिया है यहाँ पर? राइटिंग अबाउट वन सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ को पढ़ना है ध्यान से। क्या दिया है पैराग्राफ में? पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं पहले। क्या दिया है? माई नेम इज कुसुम। माई यानी मेरा, नेम मीन्स नाम, इज यानी है, कुसुम यानी मेरा नाम कुसुम है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? आई एम फ्रॉम झाबुआ। आई यानी मैं और फ्रॉम यानी मैं, झाबुआ एक स्थान का नाम है। तो मैं झाबुआ, मैं आई एम फ्रॉम झाबुआ, मैं कहाँ हूँ? झाबुआ में हूँ। इट इज़ इन MP और झाबुआ कहाँ है? वह MP में है। आई गो टू मॉडल प्राइमरी स्कूल झाबुआ, और वो कहाँ पढ़ती है यानी वो कहाँ जा रही है? मॉडल प्राइमरी स्कूल झाबुआ। आई एम इन क्लास 6 और वह को, मैं क्लास 6 में हूँ। तो माई नेम इज़ कौन हो गया? कुसुम। आई एम फ्रॉम झाबुआ, आई एम फ्रॉम झाबुआ, मैं कहाँ जा रही है? झाबुआ। इट इज़ इन MP, ये कहाँ पे है? MP में। आई गो टू मॉडल प्राइमरी स्कूल झाबुआ, मैं जो मॉडल प्राइमरी स्कूल झाबुआ में जा रही हूँ। आई एम इन क्लास 6 और मैं कौन सी क्लास में हूँ? 6वीं क्लास में हूँ, ये आपका लिखा हुआ है। फिर नीचे क्या दिया देखिए, इसके बारे में कुछ दिया है, इसको हमने पढ़ लिए। नाउ फिल इन द फॉलोइंग फ्रॉम अबाउट कुसुम, अब कुसुम के बारे में दिए अनुसार लिखें, जो कुसुम यहाँ दिया है उसके बारे में लिखना है। देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया। नेम क्या आ जाएगा? कुसुम। प्लेस क्या है उसका? झाबुआ। कहाँ रहती है? झाबुआ रहती है। स्टेट क्या हो गया उसका? MP हो गया। और स्कूल का नाम क्या हो गया? मॉडल प्राइमरी स्कूल झाबुआ। और क्लास का नाम क्या हो गया? 6। तो ये आपने कहाँ से देख के लिखे? जो उसने अपना परिचय दी थी, जो इंट्रोडक्शन दी थी, किसने? कुसुम ने बोली थी कि मेरा नाम कुसुम है, मैं कहाँ रहती हूँ? झाबुआ में। और मेरा स्टेट है MP और मैं किस स्कूल में जा रही हूँ? मॉडल प्राइमरी स्कूल झाबुआ और क्लास का नाम 6। तो इस प्रकार से हमने जो यहाँ पे आपकी खालिस्तान थे बचे हुए उसमें लिखना था कि उसका परिचय देना था। नेम हो गया कुसुम, प्लेस झाबुआ, स्टेट MP, स्कूल का नाम लिख दिए और क्लास का नाम लिख दिए। तो इस प्रकार से ये किसके बारे में लिखना था? कुसुम के बारे में। फिर इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे अगली वर्कशीट है 47। इसमें क्या बताया? वर्कशीट 47 में देखते हैं रीड अबाउट रानी, रानी के बारे में पढ़ें। ये रानी है, एक लड़की है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये क्या कह रही है उसके बारे में आप पढ़िए। आई एम रानी, ये क्या कह रही है? मैं रानी हूँ। आई स्टडी इन क्लास 4, मेरी स्टडी किस क्लास में है? क्लास 4 यानी 4थी क्लास में है। माई फादर नेम इज़ मिस्टर रोहित, मेरे पिता का नाम श्री रोहित है। माई मदर नेम इज़ मिसेस शांति और मेरी मम्मी का नाम या मेरी माता का नाम मिस श्रीमती शांति है।
आई लिव इन भोपाल, और मैं कहाँ रहती हूँ, भोपाल में रहती हूँ। आई एम 9, और मैं 9 वर्ष की हूँ। कितने वर्ष की हो गई, 9 वर्ष, तो यहाँ पे आ गया 9 वर्ष। तो ये एक रानी के बारे में हमने पढ़े। जैसे ही हमने रानी ने अपना स्वयं का परिचय दी है, उसी प्रकार आप अपनी फोटो यहाँ पे अपनी कॉपी में लगा सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं। जैसे आपका नाम है आई एम राम, आई एम स्टडी आप 7th क्लास, आई एम ओ माई फादर नेम इज़, जो भी आपके पिता का नाम है। फिर यहाँ पे अपनी मदर का नाम लिख देंगे, आप जहाँ रहते हैं उसका नाम लिख देंगे, और आपकी जो एज है वो लिख देंगे। अब देखते हैं इसके नीचे आपके लिए क्या दिया है, क्या करना है, क्या कह रहा है इसमें। नाउ राइट अबाउट यूर सेल्फ। अब नाउ यानी अब, ठीक अबाउट यानी ठीक, इसी प्रकार अपने बारे में लिखना है। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, अपने बारे में लिखना है। क्या लिखेंगे, जैसे आई एम राजा, जो आपका नाम है वह लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे आई एम 6, तो आई एम 6 यानी कि आपकी एज लिखेंगे, जो आपकी उम्र होगी वह लिख देंगे। हमने तो यहाँ पे एक राजा का नाम लिखे बताए, उसकी एज लिखे बताए। फिर आपको यहाँ कह रहा है आई स्टडी इन क्लास, जो भी क्लास आएगी आपकी 7th क्लास आ रही, 6 वर्ष यानी कि यहाँ पे 5th क्लास आ जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 6 वर्ष का बच्चा कौन सी क्लास में रहेगा, 5th क्लास में। तो आई स्टडी इन क्लास 5th हमने लिखे हैं, लेकिन आप जिस क्लास में हैं उस क्लास को लिख देंगे। आप 6th में हैं तो 6th लिखेंगे, 7th है तो 7th, 8th है तो 8, और 2nd क्लास है 2nd क्लास, 3rd क्लास, जो क्लास आपकी आती है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद स्टडी मीन्स होते हैं पढ़ाई, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताना है। यहाँ पे चौथा नंबर क्या कह रहा है, माई फादर नेम इज, तो जो आपके पिता का नाम होगा वो है यहाँ पे लिख देंगे। ये तो हमने उदाहरण के रूप में लिखे बताए, लेकिन आपको अपना परिचय देना है तो आप स्वयं का नाम लिखेंगे। आपकी आई पहले पॉइंट में स्वयं का नाम लिख देंगे, फिर आपकी उम्र जो है वो लिख देंगे, आप किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद 4th नंबर में क्या कहा है, माई फादर नेम, तो अपने पिता का नाम लिख देंगे। 5th नंबर में क्या कह रहा है, माई मदर नेम, तो अपनी मम्मी का नाम लिख देंगे, अपनी माँ का नाम लिख देंगे। आई लिव इन बरघाट, हमने बरघाट लिखे हैं, तो आप जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं उसका नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक लड़की रानी ने अपना परिचय दी थी, उस रानी के आधार पे ही आपके जो नीचे 6 पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंटों में अपना स्वयं का परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है। परिचय मीन्स होता है इंट्रोडक्शन देना है। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कौन सी का समाप्त हुई, 47। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में हमने वर्कशीट 46 और 47 बताया। यदि ये वर्कशीट आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडिया देव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।